Hey folks, welcome to my channel Befriend English. This is me, Dr. Sunita, teaching you English through Hindi. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समय और घड़ी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जिन्हें हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं. तो आइए देखते हैं उनके लिए इंग्लिश सेंटेंसेस क्या हैं और उन्हें कैसे एक्सप्रेस करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच प्लीज. ये हमारा जनरल तरीका होता है लोगों से समय पूछने का कि आपकी घड़ी में कितना बजा है. व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच प्लीज़. इट इज़ 10:30 बाय माय वॉच. मेरी घड़ी में 10:30 बजे हैं. 10:30 फ्रेंड्स, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ इन साढ़े और सवा और बजकर और बजने में क्या यूज़ करते हैं, किस तरह के फ्रेजेस यूज़ करते हैं. तो आज उन्हीं के उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं. तो इट इज़ 10:30 बाय माय वॉच. मेरी घड़ी में 10:30 बजा हुआ है. इज़ योर वॉच फास्ट. क्या आपकी घड़ी फास्ट है, आगे चल रही है? क्या आपकी घड़ी आगे चल रही है? ओ यस, इट इज़ 10 मिनट्स फास्ट. हाँ, अरे हाँ, 10 मिनट फास्ट है मेरी घड़ी. इज़ योर वॉच स्लो. क्या तुम्हारी घड़ी स्लो है? कई बार अगर किसी की घड़ी है तो हम इस तरह से भी पूछते हैं, तुम्हारी घड़ी कुछ स्लो लग रही है, कुछ स्लो है क्या? तो इज़ योर वॉच स्लो. ओ यस प्लीज़, इट इज़ स्लो बाय 5 मिनट्स. हाँ, मेरी घड़ी 5 मिनट स्लो चल रही है. डज योर वॉच कीप करेक्ट टाइम. क्या तुम्हारी घड़ी सही समय बताती है या तुम्हारी घड़ी सही समय देती है? तो आप बोल सकते हैं येस, इट ऑलवेज़ कीप्स करेक्ट टाइम. माय वॉच गेंस और लूज 10 मिनट्स. तो मेरी घड़ी गेंस के लिए 5 मिनट फास्ट हो जाती है, आगे बढ़ जाती है, और लूज़ के लिए मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे हो जाती है. कई बार ये कुछ घड़ियों में प्रॉब्लम हो जाती है कि थोड़े देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद वो 5 मिनट फास्ट हो जाती हैं या स्लो हो जाती हैं. तो फास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं गेंस, आगे हो जाती है, और लूज़ के लिए यूज़ करते हैं, पीछे होने के लिए यूज़ करते हैं लूज़. मेरी घड़ी 5 मिनट फास्ट हो जाती है, माय वॉच गेंस 5 मिनट्स, या मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे हो जाती है तो माय वॉच लूजेस 5 मिनट्स. नेक्स्ट वन इज़ गेट दिस वॉच रिपेयर्ड. अपनी घड़ी ठीक करा लो, इस घड़ी को ठीक करा लो. गेट दिस वॉच रिपेयर्ड. रिपेयर्ड यानी कि ठीक कराना. माय वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर. मेरी घड़ी ख़राब हो गई है. आउट ऑफ ऑर्डर यानी कि ख़राब हो गई है. माय वॉच इज़ आउट ऑफ ऑर्डर. मेरी घड़ी ख़राब हो गई है. माय वॉच हैज़ रन डाउन. मेरी घड़ी बंद हो गई है. तो रन डाउन इज़ द टर्म फॉर बंद हो गई है. माय वॉच हैज़ रन डाउन. आई हैव सेट माय वॉच बाय मोबाइल टाइम. मैंने अपनी घड़ी को मोबाइल के टाइम से मिलाया हुआ है. सेट माय वॉच मतलब सेट करी हुई है या उस अपने घड़ी का टाइम सेट किया हुआ है या मिलाया हुआ है. आई हैव सेट माय वॉच बाय माय मोबाइल टाइम. मैंने अपने मोबाइल से मेरी घड़ी को मिलाया हुआ है. पुट ऑन और पुट बैक योर वॉच बाय 5 मिनट्स. पुट ऑन मतलब आगे कर लो, 5 मिनट आगे कर लो अपनी घड़ी. बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अपनी घड़ी को 5 मिनट फास्ट करके रखते हैं. तो दिस इज़ द टर्म फॉर पुट ऑन योर वॉच बाय 5 मिनट्स. अपनी घड़ी 5 मिनट आगे कर लो, या 5 मिनट पीछे करने के लिए पुट बैक योर वॉच 5 मिनट्स. पुट ऑन आगे करने के लिए और पुट बैक पीछे करने के लिए. पुट ऑन योर वॉच बाय 5 मिनट्स. अपनी घड़ी 5 मिनट आगे कर लो, या पुट बैक योर वॉच बाय 5 मिनट्स. अपनी घड़ी 5 मिनट पीछे कर लो. नेक्स्ट वन इज इट इज़ ऑन द स्ट्रोक ऑफ 4. शार्प एग्जैक्ट 4. तो जब हम बोलते हैं ना, नहीं अभी ठीक 4 बजे हुए, ठीक 4, तो एग्जैक्ट 4 या शार्प 4 या फिर स्ट्रोक ऑफ 4. मेरी घड़ी में अभी ठीक 4 बजे हुए हैं. इट इज़ ऑन द स्ट्रोक ऑफ 4. इट इज़ ऑन द शार्प 4.
exists for. So that's it for today. Thank you.